जम्मू कश्मीर के सोपोर में शनिवार को हुए आतंकवादी हमले में दो पुलिसकर्मी शहीद हो गए। आतंकी हमले में घायल दो लोगों की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के बारामूला के सोपोर में आतंकवादियों के हमले में शहीद हुए कांस्टेबल वसीम अहमद और शौकत अहमद के जनाजे में लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। दोनों शहीदों के पार्थिव शरीर को जैसे ही उनके पैतृक घर लाया गया, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। आतंकी हमले में शहीद वसीम अहमद और शौकत अहमद के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का तांता लग गया। शहीद कांस्टेबल वसीम अहमद नरबल के रहने वाले थे, जबकि शौकत अहमद बीरवाह के गोरीपोरा के रहने वाले थे। शनिवार की दोपहर सोपोर में घात लगाकर बैठे आतंकवादियों ने पुलिस और सीआरपीएफ की टुकड़ी पर अचानक ग्रेनेड से हमला बोल दिया। आतंकियों के हमले में सिपाही वसीम अहमद और शौकत अहमद के साथ दो नागरिक बशीर अहमद और मंजूर अहमद भी घायल हो गए। अस्पताल ले जाते समय सिपाही वसीम अहमद और शौकत अहमद ने दम तोड़ दिया। आतंकी हमले में मारे गए दोनों नागरिकों बशीर अहमद और मंजूर अहमद क्रालतेंग के रहने वाले थे। कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने बताया कि इस हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का हाथ है। बता दें, भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त कर दिया था, जिसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।